बिहार के छपरा के रहने वाले भोजपुरी एक्टर की नई फिल्म मैं सहरा बांध के आऊंगा की इन दिनों शूटिंग चल रही है। फिल्म के साथ इंडिया के अलावा खेसारी उन देशों में भी शोज करते हैं जहां बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। खेसारी यहां एक शो के करीब 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बता दें कि इन्होंने सानिया मिर्जा पर बेस्ड एक गाना गाया था, जिसके बाद सानिया ने इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में खेसारी को 3 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। खेसारी बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। वे फैमिली के खर्च के लिए दिल्ली में लिट्टी का दुकान लगाते थे, वहीं बचपन में भैंस चराते थे। खेसारी फिल्मों में काम करने से पहले भोजपुरी गाना गाते थे और एक गाने ने खेसारी को रातों रात फेमस कर दिया था। साल 2008 में खेसारी का गाना भौजी केकरा से लड़ब पिया अरब गई लेना हिट हुआ था। इस गाने की 70-80 लाख सीडी की बिक्री हुई थी। एक इंटरव्यू में खेसारी ने बताया था कि दिल्ली में काम करने के दौरान उनकी शादी हो गई थी। इसके बाद लिट्टी के दुकान पर उनके काम में पत्नी भी हेल्प करती थी। उन्होंने बताया था कि इस दौरान वे कंपटीशन की तैयारी में लगे थे। करीब 2.5 साल के बाद खेसारी का सिलेक्शन BSF में हो गया, लेकिन उनका इस नौकरी में मन नहीं लगा और नौकरी छोड़ वे दोबारा दिल्ली पहुंचे। यहां काम कर कुछ पैसे बचाए और फिर अपना भोजपुरी एल्बम निकाला। पहली फिल्म के लिए मिले थे 11,000 रुपए। जी हाँ, खेसारी ने बताया कि उनकी फिल्म साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें बतौर फीस 11,000 रुपए मिले थे। खेसारी की पहली फिल्म साजन चले ससुराल सिल्वर जुबली हुई। इसके बाद कई फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। बता दें कि खेसारी अब तक 60 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही इनके एक साल में ना जाने कितने सारे एल्बम्स आते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।